हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल CSIR एंड JM केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 9 पढ़ा था रिएजेंट का, और इस लेक्चर में हमने पढ़ा था स्वर्ण ऑक्सीडेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन, और उसके साथ हम लोग मोफेट ऑक्सीडेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन। तो स्वर्ण रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा पिछले क्लास में। सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई आपको DMSO और इसके साथ आपको कौन है, Cl, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और Cl दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो इन दोनों के बीच रिएक्शन करवा कर देखा हमने। DMSO क्या था भाई, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ये था, ये था ना, और ये इसको यूज हुआ है Cl, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये Cl। आपको पता है लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा तो ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और इस लोन पे ऑक्सीजन के अटैक करने से क्या होगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ रहा है, इसलिए इसको भी यहाँ से टूटना होगा, तभी तो ऑक्सीजन दे पाएगा ना, अदरवाइज ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। लेकिन इससे बॉन्ड टूटने के कारण क्या हुआ कि सल्फर पे प्लस चार्ज आ गया। देखिए सल्फर पे क्या हो गया, प्लस चार्ज आ गया, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ और ये Cl, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, जो Cl माइनस था वो निकल के बाहर आ चुका है। अब जैसे Cl माइनस निकल के बाहर आया, उसने यहाँ अटैक किया, तो ये यहाँ अटैक किया तो क्या बन गया, CH3S CH3 और ये Cl, तो ये रहा यहाँ पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। तो ये क्या हो गया आपको, ये है आपका एक्टिव स्वर्ण केटायन। सारा खेल यही से होता है, इसी एक्टिव स्वर्ण केटायन का ही सारा खेल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा कि मान लीजिए कोई अल्कोहल है, ठीक है, कोई अल्कोहल इस तरह से, ठीक है। अब इसको क्या किया गया, गौर से देखिए, CH3S CH3 Cl, असल में ये दिए हैं गौर से, ठीक है ना, असल में हम ये दिए हैं इसको, आपको पता है ना, इन्हीं दोनों को मिलाकर ना ये बना, तो इन दोनों को दीजिए या ये दीजिए, बात तो एक ही है, ठीक है, एक ही चीज़ है। तो ये यहाँ से यहाँ आया तो इसको यहाँ से यहाँ जाना पड़ा, तो क्या रिएजेंट का ऑप्शन आया हमारा, OSMe, यहाँ S पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस, ठीक है। और भैया हाइड्रोन पे कौन सा चार्ज आ चुका है, माइनस, हाइड्रोन से ऑक्सीजन पे भी प्लस आ चुका है, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या किया, दिया है, तो ऑक्सीजन पे भी प्लस, और चूंकि क्लोरीन आगे चला गया तो सल्फर का प्लस HDs रह गया। अब आपको पता है कि जो Cl माइनस है वो Cl माइनस क्या करेगा, इस H+ को यहाँ से बाहर निकाल लेगा, तो क्या बनेगा, OSMeMe, यहाँ तक का तो काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम दो बेस यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हम, अब हम बेस यूज करते हैं। तो जब हम यहाँ बेस यूज करेंगे Et3n, क्या करेंगे यहाँ पर, बेस यूज करें, तो ये बेस क्या करता है कि यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देता है। देखिए एसिडिक हाइड्रोजन को क्या किया इस बेस ने, हटा दिया, तो ये यहाँ, तो ये यहाँ, तो ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो प्रोडक्ट क्या बना आपका, तो ये देखिए प्रोडक्ट ये बना, यही बताया था ना आप पिछला लेक्चर, देखिए ना यही बताया था मैंने, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर, लेकिन अगर आप यहाँ पर स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन करवाना चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको बेस यूज नहीं करना होगा, ठीक है। स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि यहाँ पर जो आपने बेस ले रखा था Et3n या Et(n) आइसोप्रोपाइल होल टू, ये जो आपने यूनिट बेस ले रखा था, आपको बेस यूज नहीं करना है, बिना बेस के आपको काम करवाना है। तो जब बिना बेस के आप काम करवाओगे तो यहाँ Cl- ही स्ट्रांग रहेगा, और अगर Cl- स्ट्रांग रहेगा तो ये यहाँ अटैक करेगा और इसको यहाँ से जाना पड़ेगा, और ऐसे केस में क्या बन जाएगा आपका, O के बदले Cl आ गया, देखिए सिंपल ये बन जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। ये हो गया स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन। अगर बेस नहीं दिया है तो ये वाला पूरा पोर्शन हट के यहाँ क्या लग गया आपको, यहाँ Cl लग गया, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। पिछला वाला लेक्चर देख के आप इसको देखिए, ठीक है, बिना पिछला लेक्चर देखे आप इसको मत देखिए, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। देखिए ये एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको स्वर्ण ऑक्सीडेशन करवाया, हमने इसको क्या दिया आपको, DMSO Cl, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, Cl
और क्या दिया हमने, E T3N दिया, और साथ में क्या दिया हमने, टेम्परेचर -60 डिग्री से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। ये टेम्परेचर हमने इसको क्या किया, प्रोवाइड करवाया। जब हमने ये टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया तो आपको सिंपल बताया कि ये OH चला जाएगा डबल बॉन्ड O में, ये C डबल बॉन्ड O NH2 चला जाएगा CN में, और ये OH चला जाएगा कहाँ पर आपको, तो ये भी डबल बॉन्ड O में चला जाएगा। यानी आपका प्रोडक्ट क्या बना, तो प्रोडक्ट आपका ऐसा बना, देखिए ये भी डबल बॉन्ड O, ये क्या बना, चलो ये आगे आगे रह गया CN, और ये क्या हो गया आपको डबल बॉन्ड O और ये H। लेकिन सिर्फ इसी से अगर हम ET3N हटा लेते, बेस नहीं देते, DMSO CL C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CL, टेम्परेचर वही रहने देते, टेम्परेचर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बस हमने ये बेस हटा दिया यहाँ से। जब बेस दिया तो ये हो गया स्वर्ण ऑक्सीडेशन, और जब बेस हटा लिया तब यहाँ क्या होगा, तब यहाँ होगा स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि ये सभी इस कौन जो है इन दोनों से मिला के क्या बनता है, इन दोनों को मिला के बनेगा आपको कौन, एक्टिव स्वर्ण केटाइन, ये बना ना। और ये सभी ने इस पर एक एक करके अटैक कर दिया, सब सबने इसको क्या किया, सीएल निकाल दिया। देखो तो जब इससे हम रिएक्ट करवाएंगे ये वाला का DMSO प्लस CLCOCl, ये मिलके क्या बना देगा आपको CH3S CH3 और ये CL, तीनों के लिए यूज हुआ है, डोंट वरी, तीनों के लिए हम यूज करेंगे। तो ये O अटैक करेगा तो आपका क्या बनेगा, ये देखो इस O के साथ लग गया S, Me यहाँ प्लस, यहाँ क्या हुआ आपको पता है कि C डबल बॉन्ड, ये देखो है ना, आपको पता है कि ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, और ये अटैक करेगा सल्फर के पीछे ये, तो ये सी एल को यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तो क्या बना आपको यहाँ O S Me, ठीक है, और क्या भाई यहाँ प्लस रह गया, और यहाँ क्या हुआ गौर से देखिए, O से कौन जुड़ गया, O अटैक किया यहाँ पर, ये O नीचे वाला, ये यहाँ, तो सी एल यहाँ, तो O S Me। डरिए मत, बिल्कुल भी मत डरिए, बहुत आसान है, इन तीनों को जगह हुआ। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास ये नहीं है, अब आपके पास बेस नहीं है, आपने काम तो कर लिया लेकिन बेस आपके पास है ही नहीं। तो जब बेस नहीं है तो क्या करना होगा आपको, अगर बेस नहीं है तो आपको नॉर्मल जो आपने क्लोराइड निकाला है वही क्लोराइड हर जगह अटैक करेगा। गौर से देखिए, बेस नहीं है आपके पास, तो आप क्या करोगे, ये Cl- क्या करोगे, इसको डालो, इसको उखाड़ दो, ठीक है, इसको डालो यहाँ से, ठीक है, इसको उखाड़ दो यहाँ से, ये ऐसे, ये यहाँ, ठीक है, ये भी यहाँ से हट जाएगा, टोटी, ठीक है, ये टोटल हट जाएगा यहाँ पर, उसी तरह ये यहाँ जाएगा इस जगह से, टोटल इसको हटा देगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए कितना अलग प्रोडक्ट बना, बिल्कुल अलग प्रोडक्ट बन गया आपका। ये देखिए ये आगे की तरफ है तो Cl पीछे से आया, आपका प्रोडक्ट Cl पीछे से आया, यहाँ पर भी देखिए आगे है Cl पीछे से आया, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ तो खैर ये यहाँ से अटैक किया है, यहाँ अटैक थोड़ी किया है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपको, पहले कार्बन है और कार्बन में क्या लगा, इस तरह से Cl लगा हुआ है, देखिए। तो समझिए मतलब कहने का ये है कि भाई स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन में आप स्वर्ण ऑक्सीडेशन समझे बिना स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो स्वर्ण ऑक्सीडेशन हमने बेस यूज किया था, स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन हमने बेस यूज नहीं किया है। जब बेस यूज किया था तो उसने क्या 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 करके सबको हटाया था, ऑक्सीडाइज किया था, लेकिन हम बेस यूज नहीं कर रहे हैं तो अब ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, जो पोर्शन बन गया है स्वर्ण के एक्टिव केटाइन के साथ उसके पीछे से अटैक करके उसको भगा देगा वहां से, सिंपल यही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए जरा इसको, एक क्वेश्चन है दिसंबर 2015 में पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, चेक कर सकते हैं आप मेरे क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, मैं सारे कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं बताता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ये क्वेश्चन ऐसे है, ये यहाँ है, ठीक है, इसको दे दिया गया आपको DMSO और दिया गया COCl का होल टू, उसके बाद आपको क्या किया गया, माइनस टेम्परेचर -60 से 40 दिया गया है, ठीक है, और इतना जैम से रहे कि बेस नहीं दिया है। देखिए ना, स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन का ये सवाल है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं, आप सोच के बताना कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ए ये आपको, बी सी और ये डी, सोचिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो भाई DMSO है ना,
ठीक है, COCl2, और ये रहा आपको, ये स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन है। इस OH को क्या करेगा, इस OH को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, ठीक है, कर तो देगा, लेकिन करने के दरमियान में भाई बेस कहाँ है जिस रिएक्शन को कंप्लीट कर सके, तो ये क्या बनेगा, ये इस एक्टिव के साथ तो जुड़ेगा, एक्टिव स्वर्ण कैटायन के साथ तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, लेकिन रिएक्शन आगे नहीं हो पाएगा, और इससे निकला हुआ Cl इसके पीछे अटैक करके क्या कर देगा, इस OH पूरे पोर्शन को हटा देगा और प्रोडक्ट ये बनेगा। आप चेक करना चाहते हैं कैसे बनता है, तो देखिए ये तो आप जान ही रहे कि भाई DMSO और प्लस कौन, COCl2 मिलके क्या बनाएगा, CH3S CH3, ये Me आपको, सॉरी यहाँ Cl, और यहाँ पे क्या आ चुका है प्लस, तो क्या हो गया भाई, आप देखो ये ऐसे, ये OH और ये Me S Me और ये Cl, यहाँ प्लस, तो क्या हो जाएगा भाई, ये यहाँ, तो इसको यहाँ से यहाँ जाना पड़ गया, तो क्या बना, ये देखो O S Me Me यहाँ प्लस, ठीक है, अब यहाँ तक तो ले आके आ गए, लेकिन अब तो कोई बेस ही नहीं है जो हाइड्रोजन हटाए, तब बेस अगर नहीं है तो यहाँ जो Cl- निकला है, इसी Cl- ने क्या किया, अटैक कर दिया इसके ठीक पीछे, और इसको क्या किया, यहाँ से बाहर निकाल दिया, वापस से आपको DMSO बना दिया, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये देखो ये बन गया। आई बस समझ में, बहुत ईजी है, ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। एक क्वेश्चन पूछा गया है गेट 2015 में, OH C double bond O CH3 OBN, ठीक है, इसको दिया गया है DMSO C double bond O Cl2 और 60 degree, आपको -60 degree से 40 degree सेंटीग्रेड, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ आपका, ऑप्शन ए C double bond O CH3 और ये Cl OBN, ऑप्शन बी C double bond O CH3 double bond O OBN, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है CH2 CH3 और Cl OBN, और ऑप्शन डी दिया हुआ है C double bond O CH3 Cl OBN। चलिए ढूंढ के निकालिए इसका आंसर कौन सा है, सोचिए जरा, ये कब पूछा गया है, गेट 2015 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर याद नहीं है अभी, चलिए जरा बताइए इसको कैसे हुआ, बहुत आसान है भाई, सोच ही लिया होगा आप लोगों ने। देखो DMSO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, निश्चित रूप से ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन बेस चूंकि नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इसी को याद रखिए, बेस नहीं है तो ये स्वर्ण ऑक्सीडेशन नहीं होगा, स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो अगर बेस नहीं है तो क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले बात, इसको रिड्यूस भी तो नहीं करेगा, देखो तो ये क्या कर दिया आपने, ये क्या है, काटो, चलो ऑक्सीडाइज तो नहीं कर पाएगा, काटो, देखो ये OH अल्कोहल नहीं बन सकता है। अच्छा, इसका मतलब है कि इसके ये जो O था ना, वो एक्टिव स्वर्ण कैटायन से जुड़ा हुआ था। अब जो भैया आप Cl- लाओगे, तो Cl- अगर OH आगे है तो वो तो पीछे से अटैक करेगा ना, तो Cl आगे कैसे हो जाएगा, इसलिए आंसर ये वाला आ गया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, नोट कीजिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है MOFET ऑक्सीडेशन, जो मोस्ट अवेटेड टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण ऑक्सीडेशन के साथ साथ MOFET को पढ़ना बहुत जरूरी है, आप स्वर्ण ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं तो MOFET को जरूर पढ़िए। तो देखिए MOFET को बहुत लोग ना इसकी प्रोनंसिएशन ख़राब कर देते हैं, MOFET बोलते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं, MOFET की स्पेलिंग ही ऐसी है कि आप पढ़ के समझ जाओगे MOFET ऑक्सीडेशन। अब अगर बात करें MOFET ऑक्सीडेशन की, तो MOFET ऑक्सीडेशन में क्या करना है हमें, तो जो MOFET ऑक्सीडेशन है, देखिए इसमें हम यूज करते हैं DMSO, और साथ में यूज करते हैं DCC, और साथ में यूज करते हैं हम रूम टेम्परेचर का, और इन सब सिचुएशन के साथ जो है वो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो हमारा क्या बनता है, कीटोन बनता है, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल क्या बनता है, एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल क्या बनता है, कीटोन। लेकिन इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये बहुत स्पेशलाइज रिएजेंट है, जिसका काम होता है आपको स्टेरॉयडल ऑक्सीजन को, स्टेरॉयडल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने में। अब सवाल ये उठता है कि भाई स्टेरॉयडल अल्कोहल क्या है,
तो स्टेरॉयडल अल्कोहल का मतलब है कि जैसे आप देखते हैं ना, जो टेस्टोस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजिन होता है, चाहे जो आपको एस्ट्रॉयड होते हैं, उन उनमें जो अल्कोहल होता है, ठीक है, उसको ऑक्सीडाइज करने का ये काम करता है मेनली। चलिए ठीक है, रिलैक्स रहिए, हम उसके यूज़ को बाद में देखेंगे, पहले तो ये देखिए कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए देखिए, ये रहा हमारा DMSO, ये रहा हमारा DMSO और DCC। ये साइक्लोहेक्साइल। अब होता क्या है कि आपको तो पता है कहानी यहीं से शुरू होगी, ये यहाँ से यहाँ, और ये चला गया कार्बन के पास, तो किसी एक साइड को तो तोड़ना होगा। देखिए पहले इस प्रोसेस को समझ लीजिए, ये यहाँ से यहाँ, तो ये यहाँ से यहाँ, तो ये यहाँ से यहाँ, रिलैक्स। तो क्या हो गया भाई, CH3S, CH3O यहाँ लाया प्लस, और O से कौन जुड़ गया भाई, कार्बन। एक नाइट्रोजन आया जिसपे माइनस चार्ज आ गया, एन माइनस, और ये अब डायरेक्ट लिख देते सी वाई, लिख देते साइक्लोहेक्साइल। जबकि इस नाइट्रो इस कार्बन साथ ये वाला जो नाइट्रोजन, इसका डबल बॉन्ड भी छूटा नहीं है, तो एन, और यहाँ भी क्या हो गया सी वाई। ठीक है, अब आप यहाँ तक तो भाई ले आए, अब क्या करोगे, तो यहाँ जब आप इसको ले आए तो ये आपका जो पोर्शन हो गया, ठीक है, इसको हमने क्या बोला, ये हो गया हमारा एक्टिव मोफेट केटाइन। जैसे अभी तक हमारा एक्टिव स्वर्ण केटाइन बना था ना, अब हमारा क्या बन गया, एक्टिव मोफेट केटाइन बन गया। चलिए भाई कोई अल्कोहल उठा के लाइए, CH3, CH2OH, इस अल्कोहल को उठा के लाए, ठीक है, और इसके साथ हमने इसका रिएक्शन करवाया। जब से आपको पता है इसका रिएक्शन होगा, तो ये यहीं पर अटैक करेगा, इसको यहाँ से क्या कर देगा, बाहर कर देगा, चूँकि इसमें तो कोई Cl है नहीं, तो इसने यहाँ अटैक किया, ये कहाँ चला गया, बाहर चला गया। अब जब ये बाहर चला गया तो क्या बना, गौर से देखिए, तो ये ऐसा बना CH3, CH2 से O, ये H, O पे प्लस, और ये किससे जाके जुड़ गया, O जाके जुड़ गया S, CH3, CH3 से, ठीक है, ओके। और इधर क्या बना भाई, तो यहाँ आपको बना देखो कौन, O माइनस, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N, CY, और ये N माइनस, और ये सी वाई। चूँकि ये ओ माइनस है, ये ज़्यादा देर तक वेट नहीं करेगा, ये इसके एच प्लस को खींच लेगा। ये देखो इस ओ माइनस ने क्या किया, इसके एच प्लस को खींच लिया, तो क्या बना CH3, CH2O, एस पे प्लस देना भूलना मत, CH3, CH3 यहाँ प्लस। और अब क्या हो गया भाई, अब ये आपको बन चुका है OH, CN माइनस, CY, डबल बॉन्ड N, सी वाई। अब इस नाइट्रोजन माइनस आया तो भैया तो स्ट्रॉन्ग बेस हो चुका है। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस हो चुका तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा कहाँ से, तो आप बोलेंगे अरे सर आगे अपनी जगह पे, हमने हाँ भाई आगे बिल्कुल जगह पे, ये माइनस है बेसिक, और इसको हाइड्रोजन कहाँ से मिल गया, ये वाला एसिडिक। आप बोलोगे सर यहाँ भी तो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो आप क्या चाहते हो, यहीं से क्या बनाना चाहते हो आप, हाँ यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के आप बनाओगे क्या, तो ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो आप यहाँ से यहाँ लाओ एसिडिक हाइड्रोजन के पास। जब ये यहाँ से यहाँ आया तो ये बॉन्ड टूटा, और क्या बना CH3, C, डबल बॉन्ड O, ये टूटा यहाँ से, तो इसको यहाँ से यहाँ जाना पड़ा, देखो ना ये गया यहाँ, तो ये गया यहाँ, तो C डबल बॉन्ड O H, और क्या बन गया यहाँ पर S, CH3, CH3 प्लस, क्या जो भी हो, ये इस बार तो प्लस नहीं आएगा क्योंकि अब ये बॉन्ड टूट के इसके जा चुका है। तो ये देखो हमारा मेनली क्या बना, तो हमारा मेनली ये बन गया, ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है, ये तो हमारा क्या हो गया, साइड प्रोडक्ट हो गया, बाय प्रोडक्ट हो गया। मेनली तो हमारा क्या हो गया, देखिए ये जो हमारा अल्कोहल था वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। एक बार फिर से समझिए इसको, हमारे पास DMSO है प्लस DCC है, तो DMSO प्लस DCC इसने यहाँ अटैक किया तो ये खुला, तो ये ऐसा बना, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हम अल्कोहल लेके आ गए जिसपे हमें रिएक्शन करवाना था, भैया मोफेट ऑक्सीडेशन करवाओगे किस पे, अल्कोहल भी तो करवाओगे ना, और किस पे करवाओगे, तो जिस पे करवाओगे उसका ऑक्सीडेशन होगा। चलो तो यहाँ क्या किया हमने, गौर से कोई ये इसको यहाँ लाए, इसको यहाँ लाए, ठीक है, तो इसके साथ ये जुड़ के ऐसा बना। अब चूंकि ओ पे माइनस आया तो इस माइनस ने क्या किया, इसके एच प्लस को खींच लिया, तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन का प्लस खत्म, और आपके पास सिचुएशन ऐसी आ गई, ये वाली सिचुएशन आ गई, लेकिन सल्फर का प्लस अभी बचा हुआ है। अब ये जो नाइट्रोजन का माइनस है, इसने अभी अपना बदला भूला नहीं है, ये बाद में अटैक किया और यहाँ से क्या किया, इसके एच प्लस को हटाया और इसको बाहर निकाल दिया, क्यों एसिडिक हाइड्रोजन था ना, और फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या बना, एक एल्डिहाइड बन गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे आपने 1 डिग्री अल्कोहल के लिए किया, वैसे 2 डिग्री अल्कोहल के लिए भी करेंगे इसको, देखिए।
देखिए जैसे आपने 1 डिग्री अल्कोहल के लिए देखा, वैसे 2 डिग्री अल्कोहल के भी देखते हैं। सपोज करो कि ये है एक एग्जांपल, ये 2 डिग्री अल्कोहल, इसको क्या दे दिया भाई, तो DCC साथ में DMSO, टेम्परेचर दिया रूम टेम्परेचर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, पहले इन दोनों की लड़ाई करवाइए। ये रहा भैया DMSO और ये रहा आपको DCC। ये देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ आएगा, ये टूट के यहाँ जाएगा और ये टूट के यहाँ आएगा, तो क्या बना CH3S CH3, यहाँ प्लस और O से क्या जुड़ा, C से क्या जुड़ा, N पे माइनस, और यहाँ से क्या जुड़ गया CY, और यहाँ क्या हुआ C से डबल बॉन्ड N से क्या जुड़ा आपको यहाँ पर CY। अब इतना आप कर ही चुके हैं, चलिए ये क्या बन गया आपका एक्टिव मोफॉट कैटायन, एक्टिव मोफॉट कैटायन। अगले स्टेप में आइए, स्टेप टू में क्या करना है भाई आपको, ये लीजिए, ये ले आइए, इसका अटैक कराइए यहाँ पर, यहीं कराते हैं डायरेक्ट, तो ये टूट के यहाँ चला गया, तो क्या बना आपका प्रोडक्ट CH3S CH3, इससे कौन जुड़ गया O और ये साइक्लोहेक्साइल, ये जुड़ गया ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब O पे क्या रह गया, HB तो रह गया प्लस और एक प्लस यहाँ भी आ गया। ठीक है, और साथ में क्या बना यहाँ पर, ये जो टूटा O माइनस CN CY माइनस चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड NCY। ठीक है, अब क्या करो भाई, ये सबसे पहले इसका हटाओ ताकि इसका चार्ज न्यूट्रल हो सके, तो क्या बन गया आपको CH3S CH3O और ये साइक्लोहेक्साइल, यहाँ पे सल्फर पे प्लस बना हुआ है और यहाँ क्या बन चुका है OH CN CY माइनस चार्ज डबल बॉन्ड NCY। और फाइनली अब हम क्या करेंगे, ये वाला, ये बेसिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वही क्या हो गया बेसिक स्ट्रेंथ है, तो एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, और एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ से निकालेगा, यहाँ से, तो ये यहाँ इसको पूरा पोर्शन को यहाँ से बाहर निकालना पड़ा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बना, आप तो बोले सब तो पहले जान रहे थे कि यही बनेगा। ठीक है, देखिए यही बना ना, सिंपल है, DCC प्लस DMSO देकर ये हो गया, इसका नाम क्या हो गया, मोफॉट ऑक्सीडेशन। अब इसके बोलेगा सर यही काम तो हम लोग PCC से भी कर सकते थे, PCC PDCC से भी कर सकते थे, आप इतना खतरनाक क्यों बताया सर, ये पूरा आप जो मोफॉट दिमाग लगा के, तो इनका क्या मतलब बनता, मतलब भाई इसको आपको प्रोसेस सीखना था, असल में इसका यूज़ यहाँ नहीं होता है। ठीक है, ये तो बस ऐसे मैंने बता दिया, बट इसका जो मेनली यूज है वो स्टेरॉयडल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने में होता है, जो स्टेरॉयडल अल्कोहल होते हैं ना उसको ऑक्सीडाइज करने में इसका मेनली यूज़ होता है। ओके, एक मिनट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझिए कि मैंने अभी जो ये जो वर्ड बार बार यूज़ किया एस्टेरॉयडल अल्कोहल, क्या मतलब है इसका, एस्टेरॉयडल अल्कोहल का मतलब होता है कि ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें कि 3-6 मेंबर्ड रिंग हो। ठीक है, 3-6 मेंबर्ड रिंग हो और 1-5 मेंबर्ड रिंग हो, ये हो गया आपका एस्टेरॉयडल। ठीक है, क्या हो गया ये हो गया एस्टेरॉयडल न्यूक्लियस, क्या बोला गया इसको, स्टेरॉयडल न्यूक्लियस। अब इसमें जो अल्कोहल डायरेक्टली अटैच होगा कार्बन से, रिंग से, ठीक है, देखिए बाकी सब कुछ भी हमें उससे मतलब नहीं है, है ना, बाकी सबसे मतलब नहीं है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टेरॉयडल अल्कोहल सिर्फ ये है, ये नहीं, देखिए ये रिंग से जुड़ा हुआ अल्कोहल नहीं है ना, इसलिए ये स्टेरॉयडल अल्कोहल नहीं है, लेकिन ये रिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो गया ये स्टेरॉयडल अल्कोहल हो गया, क्या हो गया ये स्टेरॉयडल अल्कोहल हो गया, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा आप। अब अगर आप इसको मोफेट ऑक्सीडेशन कराएंगे DCC और इसके साथ में DMSO और क्या करेंगे टेम्परेचर देंगे आप रूम टेम्परेचर तक रखेंगे, तो ये सारा पोर्शन वैसे रह जाएगा, ये ऑक्सीडाइज जाएगा बस। ठीक है, मतलब कि सारा पोर्शन वैसे ही रह जाएगा एज इट इज, किसी में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है और ना होगा, और बस ये जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज जाएगा, जबकि ये अल्कोहल एज इट इज रह जाएगा, इस अल्कोहल पे कोई छेड़छाड़ नहीं होगा और बाकी सारे पोर्शन से तो कोई लेना देना है ही नहीं, समझे डियर स्टूडेंट्स। तो ये फंडा था हमारा मोफॉट ऑक्सीडेशन और स्वर्ण ऑक्सीडेशन का, चलिए नोट कीजिए जरा इसको। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने पढ़ लिया इसको, ठीक है,
तो आपको आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे, अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही चल रहा है, बहुत अच्छे से आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।